कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के मरीज चीन सिंगापुर ही नहीं बल्कि भारत में भी बढ़ने लगे हैं। JN.1 ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि नए वेरिएंट के लक्षण ओमिक्रॉन जैसे ही हैं, हालांकि इसके लक्षण हल्के बताए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस कई प्रकार से आपके शरीर को परेशानी में डाल सकता है। इस रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना का असर गले और आवाज पर भी पड़ता है। ये रिसर्च पेडियाट्रिक जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया कि कोरोना के कारण सिर्फ टेस्ट और स्मेल ही नहीं बल्कि आपकी आवाज भी जा सकती है। रिसर्च में इसे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस बताया गया है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 15 साल की एक लड़की का उदाहरण भी दिया। शोधकर्ताओं ने बताया कि लड़की कोरोना संक्रमित थी, जिसे कुछ दिनों बाद सांस लेने में परेशानी होने लगी। जांच की गई तो पता चला कि कोरोना संक्रमण के चलते लड़की के तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ा है, जिससे उसे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया कि इस केस में एंडोस्कोपिक जांच में पाया गया कि ये लड़की के वॉइस बॉक्स में पाए जाने वाले दोनों वोकल कॉर्ड में दिक्कत आई है। स्टडी के लेखकों का कहना है कि COVID-19 की शुरुआत के बाद वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का ये पहला मामला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर क्रिस्टोफर हार्टनिक बताते हैं कि वायरस के संक्रमण के कारण सिरदर्द, दौरे पड़ने और पेरिफेरल न्यूरोपैथी सहित कई तरह की न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं देखी जा रही हैं। लेकिन इस मामले से पता चला है कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कोरोना वायरस की एक अतिरिक्त न्यूरोपैथिक उलझन हो सकती है। दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस बढ़ने पर WHO ने चिंता जाहिर की है। WHO ने करीब 40 देशों की कोविड डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया कि पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3000 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले एक महीने में जो केस आए वो इससे पहले की तुलना में 52% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस महीने बीते माह की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 24% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मौतों के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने JN.1 वेरिएंट के केस 26% तक बढ़े हैं। हालांकि अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये वेरिएंट बढ़ रहा है उसे देखते हुए WHO ने सभी देशों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर देश की बात करें तो पिछले 15 दिन से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3700 के पार चली गई है। नए वेरिएंट JN.1 के भी 22 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत में भी बीते एक सप्ताह में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 2 गुना हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 23 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले दर्ज किए गए। 21 मई 2023 के बाद देश में एक दिन में सामने आए मामलों की संख्या ये सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो इस दौरान 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत भी हो गई। बता दें कि कोरोना वायरस के JN.1 के बढ़ने से देश में नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।